वेलकम बैक टू चैनल गाइस, मेरा नाम शुभम है। दोस्तों, जब भी हम मार्केट में कोई बड़ी परचेजिंग करने जाते हैं, चाहे वो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या फिर कोई अनदर आइटम हो, तो हम उसे इजी मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि ईएमआई पे लेने के लिए ज़रूर सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमें शॉप ओनर्स या फिर बड़े बड़े ब्रांड्स ईएमआई पे लेने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और यहाँ तक कि अगर हम कोई ऑनलाइन भी परचेजिंग करते हैं तो हमें ईएमआई का ऑप्शन भी मिल जाता है। इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं और एक अच्छी खासी परचेजिंग भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारे माइंड पे एक ज़रूर क्वेश्चन आता है कि क्या हम गोल्ड ज्वेलरी को भी ईएमआई पे परचेजिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या हम ज्वेलरी परचेजिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी ज्वेलरी परचेजिंग कर सकते हैं इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में यानी कि ईएमआई पे। लेकिन दोस्तों, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर आप ज्वेलरी को छोड़कर अगर कोई अनदर प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि प्रोडक्ट आपको पहले मिल जाता है और उसके प्रोडक्ट के अमाउंट को आप हर महीने छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में उसे पे करते रहते हैं। लेकिन अगर आप ज्वेलरी के केस में आएंगे तो इसमें क्या होता है कि पहले आपको इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करनी होती है, फिर आप उसे ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। आपको कई सारे ज्वेलरी शोरूम्स या फिर बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स भी आपको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ईएमआई की। इसमें आप मिनिमम अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप 2000 से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग 9 या 10 किस्त जमा करनी होती है। अगर आप 9 या 10 किस्त जमा कर लेते हैं तो जब आप परचेजिंग करने जाते हैं तो लगभग आपको मेकिंग पर डिस्काउंट मिल जाता है 30-35% तक का, या फिर कई सारे ब्रांड्स तो आपको वैल्यू का भी डिस्काउंट दे देते हैं 1400-1500 रुपये तक का। ये प्लान शुरू करने से हमें कई सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि हमारा एक बड़ा अमाउंट एक जगह इकट्ठा हो जाता है, प्लस हमें जब भी हम ज्वेलरी परचेजिंग करने जाते हैं तो हमें एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी एलिजिबल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ज्वेलरी को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में परचेजिंग करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये शेयर कर दूंगा कि आप जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में, वहाँ पर कौन सी स्कीम चलती है, वहाँ पर इनरोलमेंट कैसे करा सकते हैं, या फिर हमें वहाँ पर कैसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस ईएमआई स्कीम को लेने पर। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, नमस्ते।